लॉकडाउन को लेकर बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, इसके लिए अच्छा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूली बच्चों को घर पर ही रहकर पढ़ने के लिए देश के सबसे बड़े ऑनलाइन पोर्टल में से एक पढ़ाई तुम्हार दुआर का आज अपने निवास कार्यालय में शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के जरिए लाखों छात्र बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लॉकडाउन के साथ ही आने वाले समय में बच्चों की निरंतर पढ़ाई में यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करते हुए तिल्दा की शाला की कक्षा 8वीं की स्कूली छात्रा दामिनी और दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड की सेलूद प्राथमिक शाला के शिक्षक श्री मिलिंद से ऑनलाइन बातचीत भी की और इस पोर्टल के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की टीम को बधाई दी। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकराम, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला, संचालक लोक शिक्षण संस्थान श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन बातचीत में छात्रा दामिनी से पूछा कि कोरोना आपदा के कारण स्कूल बंद है, ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पढ़ाई करने में कैसा लग रहा है। छात्रा ने कहा कि यह एक अच्छी सुविधा है, हमारे समय का उपयोग हो, इस सुविधा को उपलब्ध करवाने के लिए दामिनी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने दामिनी से कहा कि इस प्लेटफॉर्म में अपने और दोस्तों को भी जोड़े। सेदूल के शिक्षक मिलिंद ने भी इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि सुविधा में बच्चे टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कर पढ़ाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि अब कोई भी शिक्षक किसी एक स्कूल का ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों का शिक्षक होगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण स्कूल लंबे समय से बंद है। इस कारण यह आवश्यक हो गया है कि घरों में रहकर ही बच्चों को पढ़ने लिखने और सीखने का अवसर प्रदान किया जाए। इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के हित में पढ़ाई तुम्हार दुआर ई प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इससे अब छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई ई प्रक्रिया के तहत सीखना जारी रख सकेंगे और आगे की पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन इंटरैक्टिव कक्षाओं के जरिए शिक्षक और बच्चे अपने अपने घरों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। देश में अपने तरह का यह पहला बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के छात्रों सहित हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पोर्टल को कल ही ट्रायल के लिए खोला गया था और ट्रायल के पहले ही दिन 40,000 से अधिक लोगों ने इस पोर्टल को विजिट किया। पहले ही दिन इसमें सैकड़ों शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने अपना पंजीयन करा लिया है और 150 से अधिक वीडियो तथा अन्य पाठ्य सामग्रियां अपलोड भी की जा चुकी हैं। इस पोर्टल में ऑनलाइन कक्षाएं भी होंगी जिसका लाभ बिना किसी फीस के छात्र उठा सकेंगे। सिर्फ मोबाइल की मदद से छात्रों का पंजीयन करना होगा। इस पोर्टल में होमवर्क तथा होमवर्क को ऑनलाइन जांचने की सुविधा भी है। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने NIC की सहायता से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज इसका शुभारंभ किया है। स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के संसाधनों को इसमें उपलब्ध करवाया गया है। आगे और इसका विस्तार किया जा सकता है जिसके तहत शीघ्र ही कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए भी छात्र छात्राओं को यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य केवल पाठ्य उपलब्ध करवाना ही नहीं है बल्कि सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाना है। जैसे विद्यार्थियों को स्कूल की कक्षा में पढ़ाई के समय जो शिक्षा सुविधा उपलब्ध रहती है, ऑनलाइन शिक्षा सुविधा के तहत छात्रों को इस पोर्टल में पाठ्य सामग्री के रूप में PDF फॉर्मेट में पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो तथा वीडियो लेसन तथा उपलब्ध किए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य बहुत सी सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध करवाई गई हैं, जो साधारणतः केवल समक्ष कक्षा में ही मिलती है। ऑनलाइन शिक्षा के तहत पोर्टल पर जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन इंटरैक्टिव कक्षाएं आयोजित भी की जाएंगी जिसमें शिक्षक एवं बच्चे अपने अपने घरों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकेंगे। इन ऑनलाइन कक्षाओं में शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चे प्रश्न भी पूछ सकेंगे। इस प्रकार ऑनलाइन क्लास का अनुभव कक्षा जैसा ही होगा। बच्चे अपनी शंकाओं का समाधान भी ऑनलाइन कर सकेंगे।
इससे बच्चों को कठिन अवधारणाएं समझाने में सहायता मिलेगी और शिक्षकों से शंका समाधान के द्वारा बच्चों में बेहतर समझ विकसित हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.